Dear students, today I will teach you the second part of lesson 2, the Sahnai of Bismillah Khan. As you know that I have taught you from 1 to 10th paragraph. Today I am going to teach you paragraph 11, 10th and 13. The beginning of the 11th paragraph is in 2001 our duty. In 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया, द भारत रत्न, जो कि भारत रत्न के नाम से है, विच द कवोटेड अवार्ड. इस प्रतीक्षित पुरस्कार को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट उन्होंने अपने छाती से लगा करके एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, उन्होंने इसे अपने छाती से लगाया और उनकी आँखों में दुर्लभ प्रसन्नता भर आई और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ या जो कुछ मुझे कहना है, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को संगीत पढ़ाइए. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे बहुमूल, सबसे संपन्न परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, पूरी दुनिया का यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब यानी बिस्मिल्लाह खान जी, जिनको कि बड़ी प्रेम के साथ खान साहब कह के पुकारा जाता, एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरान, वे जो है अत्यधिक रूप से बनारस से और डुमरान से प्रेम करते थे, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल एंड दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल, ये जो है उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक टाउन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे आश्चर्यजनक नगर प्रतीत होता था. वंडरफुल टाउन से मतलब आश्चर्यजनक नगर, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार का. स्टूडेंट ऑफ हिज, एक बार उनका कोई एक विद्यार्थी वंस वांटेड हिम टू हिज ए शहनाई स्कूल, उनको शहनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहता था. कहाँ? इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका. शहनाई स्कूल का प्रधानाध्यापक प्रमुख बनाने की इच्छा जाहिर किया, बनाना चाहता था. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड
उस विद्यार्थी ने ये भी वादा किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस कि हम यूएसए में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बनारस के वातावरण को उत्पन्न करूंगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेंपल देयर, वहाँ पर मंदिर की सटीक आकृति दे करके मैं जो है बनारस के वातावरण को पुनर्निर्मित करूँगा, ऐसा उसने वादा किया क्योंकि वो जानता था उनको बनारस से बहुत लगाव। बट खान साहब आस्ड हिम, लेकिन उसकी इस इच्छा पे खान साहब ने उससे पूछा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ ला सकोगे। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनका कहा याद किया जाता है। दैट इज व्हाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि चूंकि मेरा बनारस से गंगा नदी से इन सबसे बड़ा लगाव है, इसलिए जब व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं किसी विदेश में रहता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं अपने देश भारत को हिंदुस्तान को देखने की कामना करता रहता हूँ, देखने की ललक मेरे दिल में उठती रहती है। व्हाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, जब मैं मुंबई में रहता था, उनका कहना है जब वे मुंबई में रहते थे तो वे केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी के विषय में ही सोचते थे, इन्हीं की याद उन्हें आती रहती थी। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब वे बनारस में होते हैं, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरान, जब वो बनारस में होते हैं तो वे डुमराव की जो है अनोखे मठ को मिस कर जाते हैं, अर्थात उनको डुमराव के अनोखे मठ की याद सताती रहती है। नाउ द लास्ट 13 पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन, उस्ताद बिस्मिल्लाह से निश्चल होते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन जो है एक पूर्ण रूप का उदाहरण है भारत के जो है संपन्न सांस्कृतिक विरासत। वन आर द इफर्टलेसली एक्सेप्ट, इफर्टलेसली मीन्स बिना किसी जो है प्रयास के, दैट ए डिओट डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी जल्दी प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक, वन ऑफ दैट इफर्टलेस एक्सेप्ट जो है वे जो निष्प्रयास स्वीकार करती हैं कि एक बिस्मिल्लाह खां जैसा मुस्लिम भक्त स्वभावतः शहनाई को बजा सकता है एवरी मॉर्निंग मीन्स हर सुबह एट द काशी विश्वनाथ मंदिर।
काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। वंस मोर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत, भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का एक पूर्ण कंप्लीट उदाहरण है। वन ऑफ द इफर्टलेसली एक्सेप्ट, वह जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है, एक्सेप्ट करती है, दैट ए डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, कि बिस्मिल्ला खान जैसा एक मुस्लिम भक्त कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो स्वभावतः शहनाई को बजा सकता है। एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रत्येक सुबह एक बिस्मिल्ला खान जैसा मुस्लिम भक्त अपनी शहनाई को बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्ला खान 21 अगस्त 2006 में 90 वर्ष की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते इस पृथ्वी से चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल, उनको एक राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ट क्रिया की गई। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने जो है डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, भारत सरकार ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि ही वाज रिस्पेक्टेड मोर एंड मोर, ही वाज ऑनर्ड एवरीवेयर एंड ही विल बी रिमेम्बर्ड।